हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज इस वीडियो हम बनाने वाले हैं डिज़ाइनर नेट टॉप, जिसके लिए यहाँ पे मैंने नेट का फैब्रिक लिया है जो है 2 मीटर, और उसके साथ मैंने प्रिंटर फैब्रिक लिया है वो है सिर्फ 1/2 मीटर। सो गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, सबसे पहले नेट के फैब्रिक को हमने फोर फोल्ड किया हुआ है और इसकी लेंथ मैंने ली है 22 इंचेस। शोल्डर का पार्ट मैं लूँगी यहाँ पर 7.5 इंचेस। आर्म होल भी मिलूंगी यहाँ पे 7.5 इंचेस। उसके बाद हम दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए लाइन ड्रॉ करेंगे। अब देखिए, यहाँ पे लेना होगा हमें चेस्ट का पार्ट, तो वो मिलूंगी यहाँ पे 11 इंचेस। यहाँ पे चेस्ट का जो भी मेजरमेंट हो उसे डिवाइड बाई 4 करना है, प्लस उसमें हम 2 इंचेस ऐड करेंगे सिंगल आर्म्स के लिए। तो ये हो गया हमारा चेस्ट पार्ट। ऊपर से कमर की लेंथ है 15 इंचेस, तो 15 पर हमें एक मार्क करना है। और यहाँ पे आएगी हमारी कमर की चौड़ाई, वो मैं लूँगी यहाँ पे 10 इंचेस। उसके बाद दोनों पॉइंट्स को हमें ज्वाइन करते हुए लाइन ड्रॉ करनी है, और इस लाइन को हम क्रॉस में एक्सटेंड करेंगे हमारी लेंथ तक, और नीचे की तरफ आपको हल्का सा राउंड शेप ड्रॉ करना है। आर्म होल मैंने लिया था 7.5 इंचेस, उसका हाफ लेके यहाँ पे हम मार्क कर लेंगे, और यहाँ से हमारा आर्म होल का कर्व शुरू होगा। राउंड शेप देके मैंने यहाँ पे आर्म होल को ड्रॉ कर लिया है। नेक की चौड़ाई मैं लूँगी यहाँ पे 3 इंचेस। और लेंथ मैं लूँगी यहाँ पे 4 इंचेस फ्रंट के लिए, और राउंड में शेप ड्रॉ करना है हमें। बैक की लेंथ मैं रखूँगी 2 इंचेस, और यहाँ पे भी हमें राउंड शेप ड्रॉ कर लेना है। तो यहाँ पे हमने शेप को ड्रॉ कर लिया है। सबसे पहले हम बाहर का नेक कट करेंगे, तो यहाँ पे हमने कटिंग कर ली है। अब जो हमारा बैक का पार्ट है उसे हम सेपरेट कर लेंगे, और ये जो फ्रंट का पार्ट है उसे हम अच्छे से वापस 2 फोल्ड करेंगे, और 2 फोल्ड करने के बाद ये जो हमारा नेक लाइन है उसे हमें कट करना है। तो नेक को हमने कट कर लिया है, इसे हम ओपन करेंगे। ये होगा हमारा फ्रंट का पार्ट। और ये है हमारा बैक का पार्ट। अब जो हमारा प्रिंटेड फैब्रिक है उसे मैंने इस तरह से 4 फोल्ड किया हुआ है। जो हमने टॉप का पार्ट कट किया था उसे हमें इस तरह से 2 फोल्ड करके यहाँ पे रखना है। जो हमारा फोल्डेड एरिया है उसे हम फोल्डेड एरिया से मिलाते हुए रखेंगे। इस तरह से यहाँ पे हमें इसे सेट करना है। उसके बाद यहाँ से हम मार्किंग करेंगे, तो यहाँ पे हमें आर्म होल को ड्रॉ कर लेना है। तो यहाँ से ऊपर से मैंने 5 इंचेस, 5 to 6 इंचेस डाउन से इसे रखा है। उसके बाद हमें एज इट इज़ ड्रॉ कर लेना है, और इसकी लेंथ मैं लूँगी 14 इंचेस। तो 14 इंचेस डाउन पे हमें एक मार्क करना है, और यहाँ पे हम लाइन को ड्रॉ कर लेंगे। तो ये होगा हमारा बेस का फैब्रिक। इस पार्ट को हम कट करेंगे, तो यहाँ पे हमने बेस फैब्रिक को कट कर लिया है, इसे हम ओपन करेंगे। इस तरह के हमारे पास 2 पीस है। यहाँ से कट करके हम इसे 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। तो इस तरह के 2 पीस है हमारे पास। अब देखिए, स्लीव्स को कट करने के लिए फिर से फैब्रिक को हमने 4 फोल्ड किया हुआ है। इसकी चौड़ाई हमें लेनी है 9.5 इंचेस, और यहाँ से हम 3 इंचेस डाउन पे एक मार्क करेंगे, और यहाँ से आपको स्लीव्स का शेप ड्रॉ करना है। स्लीव्स की लेंथ मैं लूँगी यहाँ पे 6.5 इंचेस। और यहाँ पे आएगी हमारे स्लीव्स की चौड़ाई, वो मैं लूँगी यहाँ पे 8 इंचेस।
और यहाँ पे हमें स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। उसके बाद दोनों पॉइंट्स को हमें ज्वाइन कर लेना है। तो इस पार्ट को हम कट करेंगे, तो स्लिप्स को हमने इस तरह से कट कर लिया है। इस तरह की दो स्लिप्स है हमारे पास। अब देखिए स्लीव्स को हमें एक्सटेंड करना है, तो इस तरह से फैब्रिक को हमने इस तरह से फोर फोल्ड किया हुआ है। इसकी लेंथ मैंने ली है 12 इंचेस और इसकी चौड़ाई मैंने ली है 11 इंचेस। अब जो हमने स्लीव्स कट की थी उसकी चौड़ाई हमें इस तरह से मार्क कर लेना है और इस लाइन को हम क्रॉस में एक्सटेंड कर लेंगे और नीचे की तरफ हल्का सा राउंड शेप ड्रॉ कर लेंगे। इसे हमें कट करना है, तो इस तरह का पार्ट हमने कट कर लिया है। इस तरह के हमारे पास दो पीस हैं। अब बढ़ते हैं स्टिचिंग की ओर। तो सबसे पहले इसकी बॉर्डर को हमें फोल्ड करना है, तो इसे सिंपली बैक साइड पे हम डबल फोल्ड करके सिलाई कर लेंगे और जो नीचे की बॉर्डर है उसे भी हम बैक साइड पे डबल फोल्ड करके सिलाई करेंगे। तो दोनों की बॉर्डर हमें फोल्ड करनी होगी। तो यहाँ पर मैंने बेस फैब्रिक जो था उसकी बॉर्डर को फोल्ड कर लिया है। इसके ऊपर जो हमारा नेट का पार्ट है उसे हम रखेंगे और दोनों पार्ट्स को हमें अच्छे से मिलाना है। उसके बाद यहाँ पे हम ऊपर से कवर सिलाई लगा के दोनों को ज्वाइन करेंगे। तो यहाँ पे आपको कवर सिलाई लगानी है। इसी तरह से हमें दोनों पार्ट्स तैयार करने हैं, फ्रंट और बैक दोनों को। तो यहाँ पे हमने बेस फैब्रिक को ज्वाइन कर लिया है। अब हमें नेक लाइन को तैयार करना है, तो नेक के शेप का हमने स्ट्रिप कट कर लिया है जिसे हम उल्टा रख के यहाँ पे सिलाई कर लेंगे। उसी तरह से यहाँ पे भी हमें स्ट्रिप को उल्टा रखना है और दोनों को मिलाते हुए सिलाई करनी है। तो यहाँ पे हमने सिलाई लगा दी है, हल्के हल्के हम नॉचेस लगाएंगे, ध्यान रखें कि आपकी सिलाई ना कटे। उसके बाद हम स्ट्रिप को बैक साइड पर टर्न करेंगे और बैक साइड पर आपको इस तरह से डबल फोल्ड करके सिलाई करना है। तो हमारा इस तरह से नेक तैयार हो जाएगा। इसी तरह से आपको बैक का नेक भी तैयार करना है। तो यहाँ पे हमने दोनों नेक तैयार कर लिए हैं। अब एक पार्ट के ऊपर दूसरा पार्ट हमें उल्टा रखना है और यहाँ पे हम करेंगे शोल्डर फिटिंग। तो दोनों तरफ से सिलाई करके हमें शोल्डर फिटिंग करनी है। तो यहाँ पे हमने शोल्डर फिटिंग कर ली है। अब हमें यहाँ पर स्लीव्स को तैयार करना है, तो दोनों पार्ट को हमें ज्वाइन कर लेना है। तो एक पार्ट के ऊपर दूसरा पार्ट हम उल्टा रख के सिलाई कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमने दोनों पार्ट को ज्वाइन कर लिया है। अब हमें स्लीव्स को ज्वाइन करना है, तो ये हमारा राइट पार्ट है जिसके ऊपर आपको स्लीव्स को उल्टा रखना है और यहाँ पे आपको पूरे राउंड में सिलाई कर लेना है। उसी तरह से इस तरफ भी आपको स्लीव्स को उल्टा रख लेना है और यहाँ पे आपको सिलाई करके स्लीव्स को ज्वाइन करना है। तो यहाँ पे हमने स्लीव्स को ज्वाइन कर लिया है। अब ये जो हमारे स्लीव्स की जो बॉर्डर है उसे हमें तैयार करना है। तो यहाँ पे हमने स्लीव्स को ज्वाइन कर लिया है। अब जो स्लीव्स की बॉर्डर है उसमें हमें पैटर्न करनी है। तो इस पूरी चौड़ाई में हमें इस तरह के सिंपल प्लीट्स डालेंगे हम और सिलाई करके इसे सिक्योर करते जाना है। इस तरह से पूरी लेंथ में हमें सिंपल प्लीट्स डालनी है दोनों तरफ। तो यहाँ पे हमने प्लीट्स डाल लिया है। अब इस तरह के हमने स्ट्रिप कट कर ली है, बायर स्ट्रिप, जिसे हम इसके ऊपर उल्टा रख के सिलाई कर लेंगे। उसके बाद हम इसे बैक साइड पे टर्न करेंगे और बैक साइड पे आपको इसे डबल फोल्ड करना है। तो इस तरह से डबल फोल्ड करके हम सिलाई कर लेंगे, तो हमारी बॉर्डर तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पे हमने बॉर्डर को तैयार कर लिया है। अब हम इसे रॉन्ग साइड पे टर्न करेंगे फिटिंग के लिए। तो मैंने इसे रॉन्ग साइड पे टर्न कर लिया है। दोनों पार्ट को हम अच्छे से मिलाएंगे।
उसके बाद यहाँ पे हम 1 इंच के डिफरेंस पे सिलाई लगा के इसकी फिटिंग करेंगे। और इस तरफ भी आपको 1 इंच के डिफरेंस पे सिलाई लगा के इसकी फिटिंग कर लेना है। तो यहाँ पे हमने फिटिंग करके से राइट साइड पे टर्न कर लिया है। अब लास्ट में हमें नीचे के बॉर्डर को फोल्ड करना है, तो सिंपली हम इसे बैक साइड पे डबल फोल्ड करके सिलाई कर लेंगे। तो पूरी लेंथ में आपको इस तरह से बॉर्डर फोल्ड करनी होगी। तो यहाँ पे हमने बॉर्डर को फोल्ड कर लिया है और इसी के साथ ही हमारा डिज़ाइनर ब्यूटीफुल नेट टॉप बिल्कुल तैयार है। गाइस तैयार हमारा डिज़ाइनर नेट टॉप। अगर आपको हमारा डिज़ाइन अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और गाइस अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ उस बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि आप हमारे आने वाली को वीडियोज़ को मिस ना करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।